ज्वेलरी पहनने की बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्वेलरी पहनना, लेकिन इट्स ऑल अबाउट ओकेजन्स, कौन से ओकेजन पे आप क्या पहने, इट शुड बी मिनिमलिस्टिक जब चाहिए और जब ज़्यादा पहनना है तब ज़्यादा पहने। डिपेंड्स ऑन द ओकेजन एंड आउटफिट, वो ही आप पहनना चाहिए एक्चुअली। मैं एक्चुअली अपने आप को ही गिफ्ट करती हूँ, या तो अपनी मॉम को गिफ्ट करती हूँ और अपनी फैमिली को गिफ्ट करती हूँ, तो ज्वेलरी जिसको अच्छा लगता है पहनना सिर्फ उसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी से जुड़ी ऐसी किसी ने गिफ्ट की हो या समथिंग? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने अपने सारे ज्वेलरी खुद ही खरीदी है। जी, मेरी फिल्म फीवर रिलीज़ हो रही है 5 अगस्त को। एक्चुअली हम यहाँ पर अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैं जो गीतांजलि के साथ एसोसिएशन में है। सो यही कहना चाहूँगी, इट्स एन अमेजिंग सस्पेंस फिल्म, सारे वो एलिमेंट्स हैं जो एक एंटरटेनिंग फिल्म में होते हैं। तो प्लीज़ जाकर 5 अगस्त को फीवर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में प्यार किया हो या जलापा फील किया हो या रेज फील किया हो या ज़िंदगी में मज़े लेने की लिए आप ट्रैवल करते हो, तो सारा कुछ है, एग्जॉटिक लोकेशंस है, एक्साइटिंग प्लॉट है, सस्पेंस है, प्लीज़ गो वॉच इट। ट्रेलर देखने के बाद ऐसे कोई खास कॉम्प्लीमेंट आया आपके किरदार को लेकर? एक्चुअली जिन्होंने भी मूवी देखी है अभी तक, ट्रायल्स हुए थोड़े बहुत, सब कहते हैं कि मैंने अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाया है। सो आई एम जस्ट होपिंग फाइनली लीड रोल में एक परफॉर्मेंस डिलीवर करने का मौका मिला है मुझे। सो आई होप व्हेन पीपल लीव द थिएटर्स दे से दैट गॉड हैज डन अ गुड जॉब। वेल कोई भी मूवी में, अब मैंने तो कभी हॉलीवुड में नहीं सुना कि लोग इससे सीन्स को हट के लेके बात करें। जो स्क्रिप्ट है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जो आप ज़िंदगी में अगर दो लोग प्यार में होते हैं तो शायद किस करते हैं, राइट? सो अगर आप रियल स्टोरी बता रहे हैं किसी दो किरदार की तो शायद वो किस करेंगे, सो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, हमारी सब कुछ अच्छा है, इट्स ऑल अमेजिंग एंड फीवर इज गोना हैव अ ग्रेट रिलीज ऑन द 5th of August। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन अब एक्साइटमेंट नर्वसनेस में बदल रही है क्योंकि अब रिलीज़ का टाइम आ गया, अगले हफ्ते फिल्म आने वाली है। मुझे मालूम है कि बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, इसलिए नर्वसनेस ज़्यादा है। जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो अपने एग्जाम्स में तो आपको रिजल्ट्स का भी उतना ही डर लगता है कि कितने मिलेंगे। सो अभी एक नर्वसनेस है ऑफकोर्स जो आ रही है, बट जो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है, हर बार होता है, हर फिल्म की रिलीज से पहले होता है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को जाकर लोग देखें और इन्जॉय करें। तीन हैं अब क्या बोलूँ मैं इसका जवाब कि हाउ वॉज इट रोमांसिंग 3 women फॉर एनी गाय इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो इट वॉज वंडरफुल, बट बिसाइड्स बींग गुड लुकिंग, हॉट, टैलेंटेड, देवर हॉट एंड प्रिटी, देवर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड पीपल। So I think all 3 of them brought our chemistry alive and they were fantastic to work with. Raju, aapki jo filmein hai kafi kam aati hai, do you select films ka, aapki kafi chuninda filmein karte ho? जी, अब ये चूजी वाला सवाल तो हर बार मुझसे पूछा जाता है, मुझे मालूम नहीं मैं चूजी हूँ या मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत छानबीन करनी पड़ती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और मैं सिर्फ फिल्में करने के लिए नहीं करता हूँ। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती अगर मैं 6 महीने तक या 1 साल तक नज़र नहीं आऊँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ओके। और अगर मुझ में एक काबिलियत है तो फिर मैं 1 साल के बाद में आके वापस उतना ही इंटरेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, ऐसा मुझे खुद पर भरोसा भी है। मैं जिस तरह की फिल्में करता हूँ बस उसी तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, जैसे आमिर, शैतान, साउंड ट्रैक, टेबल नंबर 21, फीवर। मुझे लगता है कि सारी फिल्में ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम दोबारा देख सकते हैं, हम इन्हें देख कर इन्जॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म मंडे तक लोग भूल जाते हैं, इन फिल्मों को आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जब कभी टीवी पे आती है उन्हें देख सकते हैं। तो आई वांट टू डू फिल्म्स व्हिच हैव अ शेल्फ लाइफ। आजकल फिल्में काफ़ी कॉपी लीक हो रही है, तो ऑफकोर्स फिल्म की काफ़ी लीक अभी इन दिनों काफ़ी लीकेज हो रही है, फिल्म लीक हो रही हैं, ऑनलाइन चली जाती हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, या ऑडियंस है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से जो इन फिल्म्स को देखते हैं कि आप धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन फिल्म देखते हैं या आपको लगता है कि मैं 50 रुपये की DVD पे फिल्म देख लूँगा, आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, कुछ सालों में शायद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बिकॉज रेवेन्यू कहीं से नहीं आएगा। जो टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं, जो पूरी टीम जो काम करती है,
ان کی روزی روٹی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. سو ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ کو لگتا ہے, لیکن آپ کے بعد میں کچھ دیکھنے کے لیے بچے گا بھی نہیں. ہاں, میری نیکسٹ فلم کا نام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے فیور, میں اسی کے بارے میں بات کروں گا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے اسے مجھے, میرا مجھے ابھی کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا سارا فوکس اس سمے فیور کے اوپر ہے. آئی ہوپ آل آف یو انکلوڈنگ دی آڈینس کیچ فیور آن 5th of August. بولڈ سینس تب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اوور ایڈیٹ چیز ہو گئی ہے 2016 میں. ہم لوگ اب کیا بولڈ ہیں, آئی تھنک دیر از نتھنگ کولڈ بولڈ. کسنگ وسنگ تو بہت ہو چکی ہے, آئی مین 2005 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن بات ابھی بھی کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ناؤ تو وی اونلی ٹاک اٹ ان ٹاک اباؤٹ ان میڈیا, ادر وائز میرے کو لگتا ہے نارمل جو آڈینس ہے اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ مجھ سے ابھی سوال پوچھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کسی کو فرق پڑتا ہے. نو بڈی گوز ٹو اے سنیما ہال ٹو واچ اے کس اینی مور اور انٹیمیسی اینی مور. لوگ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دس فلم, آئی ایم ویری ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ دیٹ دس فلم ہیز اے لاٹ آف کانٹینٹ. نہیں, سینسر بورڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ فلم جس مارننگ میں گئی, شام کو اے سرٹیفکیٹ کے ساتھ میں باہر آ گئی. ٹی وی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں. اس سمے کوئی مجھے ٹی وی میں ایکسائٹنگ آفر نہیں آیا, تو اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. جس دن کوئی ایکسائٹنگ آفر آئے گا میں کر لوں. 10 سال کے بعد بھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں. جب ریئلٹی شو پہلی بار آئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا. 10 سال ہو گئے نہیں کرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا ہوں. ہر آدمی نہیں بنا ہوتا ریئلٹی شو کے لیے. میں نہیں بناؤں ریئلٹی شوز کے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ہوسٹ کرنے کے لیے بناؤں.